बुलंदशहर की जहांगीराबाद पुलिस स्वाट टीम को देर रात सूचना मिली। जहांगीराबाद थाना क्षेत्र के गांव रिवाड़ा के जंगल में कुछ गौकशी की घटना को अंजाम देने के उद्देश्य से इकट्ठा हुए हैं। सूचना पर तत्काल दोनों पुलिस टीमों द्वारा संयुक्त रूप से कार्रवाई करते हुए गांव रिवाड़ा के जंगल में बदमाशों की घेराबंदी की गई, तो बदमाशों ने अपने आप को गिरता देख पुलिस पार्टी पर जान से मारने की नीयत से फायरिंग कर दी। पुलिस ने भी जवाबी फायरिंग की, जिसमें अकबर, मेहंदी हसन उर्फ महमूद गोली लगने से घायल हो गए। पुलिस ने मौके से घायल बदमाश सहित 6 बदमाशों को गिरफ्तार कर लिया, जबकि 2 अन्य बदमाश 2 टाटा 407 गाड़ियों को लेकर भागने में सफल रहे। पुलिस ने मौके से भारी मात्रा में अवैध असलाह, जिंदा गोवंश और गोकशी के उपकरण बरामद किए हैं। आपको बता दें, देर रात बदमाशों को उपचार के लिए CHC जहांगीराबाद में भर्ती कराया गया है। घायल बदमाश अकबर थाना अरनिया का हिस्ट्री शीटर अपराधी है, जिसके द्वारा अपने साथियों के साथ मिलकर वर्ष 2010 में थाना कोतवाली देहात क्षेत्र चोला चौराहे पर गोवंश से भरे अपने वाहन से पुलिस बैरियर को तोड़ते हुए कांस्टेबल चालक महेंद्र दत्त गौतम की घसीट कर हत्या कर दी गई थी। सभी पकड़े गए बदमाश छात्र किस्म के, अंतर्राज्य किस्म के पशु चोर गिरोह के सदस्य हैं, जिनके द्वारा आर्थिक लाभ प्राप्त करने के उद्देश्य से गोकशी की संगीन घटनाएं की जा रही थी। घर बदमाश अकबर, मेहंदी हसन अन्य जनपदों में भी दर्जनों मुकदमे दर्ज है। संवाददाता मित्रण, बीती रात जनपद बुलंदशहर पुलिस और बंजारा गैंग के साथ एक मुठभेड़ हुई है। उस मुठभेड़ में 2 अभियुक्त अकबर और मेहंदी, जो कुख्यात गो तस्कर हैं तथा जिनके विरुद्ध 1.5 दर्जन से अधिक मुकदमे पूर्व से पंजीकृत हैं, हत्या 307 आदि के, ये गिरफ्तार हुए हैं और गिरफ्तारी के दौरान क्रॉस फायरिंग में इन्हें चोट आई है, घायलावस्था में हैं। इनके अन्य 6 साथी भी मौके से गिरफ्तार किए गए हैं। एक कुख्यात गैंग गो तस्करी के इरादे से आया हुआ था, इनके साथ 2 वाहन भी थे जो मौके से भागने में सफल रहे हैं। उनकी गिरफ्तारी और बरामदगी के लिए हम अलग से प्रयास कर रहे हैं। उल्लेखनीय है कि ये अंतर जनपदीय स्तर का बंजारा गैंग है, जो पशुओं को घरों से चुराते भी हैं। लावारिस गोवंश अगर कोई भटक रहा हो तो उसको कब्जे में लेकर गाड़ी में लाद लेते हैं, उनकी कटाई करके मांस का व्यापार करते हैं। तो इस तरह से पुलिस को एक महत्वपूर्ण सफलता मिली है और इस गैंग के प्रत्येक सदस्य के विरुद्ध 2-3 से अधिक मुकदमे हैं। 2 मुख्य रूप से अकबर, जो गैंग का लीडर है, यह अरनिया थाने का हिस्ट्री शीटर है। इसके विरुद्ध जो मुकदमे दर्ज हैं उनमें अलीगढ़ जनपद बुलंदशहर में मुख्य रूप से मुकदमे हैं। इसका दूसरा साथी मेहदी भी इसी के स्तर का अपराधी है, जिस पर 1.5 दर्जन के आसपास मुकदमे हैं। ये दोनों इस समय फिलहाल हॉस्पिटल में इलाजरत हैं और इस पूरे गैंग के जो भागे हुए लोग हैं उनकी गिरफ्तारी के लिए प्रयास किए जा रहे हैं। इनके कब्जे से 5 तमंचे, कारतूस आदि भारी संख्या में बरामद हुआ है। सर, किसी बदमाश का आरोप भी है? हाँ, इनमें से एक अभियुक्त अकबर पुल पर पुलिस की हत्या का, सन 2010 में एक पुलिस पिकेट के सिपाही को रोकते हुए गाड़ी के साथ भागने का मुकदमा दर्ज हुआ था और इनके कब्जे से एक जिंदा गोवंश, गोकशी के उपकरण आदि की भी बरामदगी की गई है।